इसका मतलब मॉम मुझसे सिद्धार्थ के पेरेंट्स की दहेज लेने वाली बात छुपा रही थी। अजी, तू दवाई नहीं खा रही है ना, इसीलिए तेरे पैर का दर्द नहीं जा रहा है। अरे बच्चों प्लीज लड़ो मत। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? हटो हटो, लगी आपको ऐसे लड़ता है कोई? हाँ बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। ओ प्रशांत 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 प्रशांत, भाई बात सुन जरा। क्या हुआ सर? फंस गया हूँ, रोशनी आ गई है मुझे बिना बताए। ये रोशनी? यही रोशनी है, मुझे तेरा घर चाहिए तुरंत। आई नीड योर प्लेस राइट नाउ। तू पागल हो गया है क्या? ये सॉरी सॉरी क्या कह रहा है भाई? तेरा ही घर है ये ने? थैंक यू सो मच। क्या तुम लोगों का रोज रोज का नाटक? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शो बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। रोशनी ये लिस्ट कहाँ से आई? तुम बताओ कहाँ से आई? तुम मेरी मॉम को ये लिस्ट देकर आए थे ना? अरे नहीं बाबा, मैंने तुम्हारी मॉम को ये लिस्ट। कम ऑन सिद्धार्थ, फिर से एक झूठ। क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें लिस्ट मॉम को पकड़ाते हुए। तुम लोग आज के जमाने के होकर भी ये दहेज जैसे फालतू के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो। रियली डिस्गस्टिंग सिद्धार्थ। नो रोशनी, दिस इज डिस्गस्टिंग। तुम्हारी मॉम ने, अगर कोई है जो इन मां बेटी की दूरियां दूर कर सकता है तो सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम। क्या हुआ सिद्धार्थ, रुक क्यों गए? मैं जवाब चाहती हूँ सिद्धार्थ। क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? रोशनी तुम हंस रहे हो? I'm sorry, मुझे अपनी बेवकूफी पे हंसी आ रही। इतना बड़ा गधा, इतना बड़ा इडियट हूँ मैं मॉम। नहीं सीरियसली, रोशनी की मॉम को एक दूसरी लिस्ट देनी थी मुझे, उनको अलग ही लिस्ट पकड़ा के आ गया हूँ मैं। लिस्ट? अरे बाबा ये लिस्ट मॉम जो आपने बनाई थी। रोशनी की मॉम को मुझे वो गेस्ट वाली लिस्ट देनी थी और ये पकड़ा के आ गया। बताइए, मैं भी इतना भुलक्कड़ हूं ना डैड, आप ही पे गया हूं मैं। यार सेड, तू भी ये लिस्ट क्यों पकड़ा दी उन्हें? ये लिस्ट तो अपने लिए बनाई थी हमने बेटा, और तू उनको देकर आ गया। भाई तो बोल रहा हूँ मॉम, अव्वल दर्जे का गधा हूं मैं। रोशनी ये लिस्ट जो है ये मेरे मॉम और डैड ने बनाई है। ये सारी चीजें जो है, प्लाज्मा टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डबल बेड, अलमीरा, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, सारी चीजें हमारे काम आने वाली है। और इसीलिए मेरी मॉम ने सोचा कि ये सारी चीजें खरीद के वो तुम्हें दे देंगी, यानी कि अपनी बहू को दे देंगी। और तुम हम पे दहेज लेने का इल्जाम लगा रही हो। सच में रोशनी, मॉम आप रोशनी को वो साड़ी वाले के बारे में क्यों नहीं बताती? साड़ी वाले? वो साड़ी वाला? अच्छा वो साड़ी वाले, वो साड़ी वाले, वो भी इसको बता दीजिए, क्योंकि हमारी रोशनी को ये लगता है कि हम इसके फैमिली से दहेज लेने वाले हैं। नहीं बेटा, हमें तुम्हारी पसंद नहीं मालूम थी ना। आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर आ जाओ। एक मिनट, रुको 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 भाई, रुको। अरे क्या हुआ? नहीं रुको। क्या हो गया? रुकिए ना। अरे भाई कमाल है, बच्चों को बाहर खड़ा करके खुद अंदर भाग गई। आ रही हूँ बाबा। ओह हाँ, ये भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा था? गले मिलना है। खुश? मैं भी छू? मैं भी? जिंदा रहे पुत्र। चलो बैठो। रोशनी क्या देख रही हो? ये
घर जरा छोटा है ना तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो? You know what? मैंने अपने लिए हमेशा से एक ऐसा घर और ऐसी छोटी छोटी खुशियां इमेजिन की थी। आई एम रियली हैप्पी। मेरी बीवी का ट्रिप भी अलग है लाइफ में। हाँ? हाँ? नहीं कुछ नहीं, बैठो ना। हाँ हाँ, अरे बैठो ना, बैठो बेटा, बैठो, अब भी बैठो। आ जा, आ जा, मैं चाय लेकर आती हूँ। हे भगवान, माय गॉड, मैं क्या करूँ? किसी और के किचन में कहाँ से सामान ढूंढूँ? सब ठीक है ना? एकदम सेट। मॉम ये क्या है? इतनी भारी भारी रिंग्स, ये सॉलिटेयर देख के पकड़े जाएंगे, उतार दो ना मॉम इसको। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी, तेरे डैड ने मुझे दिया। डैड ने समझाइए, इनकी रिंग्स के चक्कर में ना सारा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। अरे मैं उन्हें कह दूंगी ना कि अमेरिकन डायमंड है। मॉम ज्वेलरी एक्सपर्ट है वो। ओ मिसेस खुराना, क्या मुझे मालूम है कि आपका दिल नहीं मानेगा, लेकिन बेटे के दिल का सोचो, प्लीज उतार दो ना, प्लीज। बहू को ज्वेलरी पहना रहे और मुझसे ज्वेलरी उतरवा रहे, ये लो। और कब तक चलेगा ये नाटक? सब बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा मॉम, फिलहाल के लिए प्लीज कॉपरेट, प्लीज प्लीज प्लीज, ये रखिए अपने पास। हाँ ठीक है ना, कॉपरेट तो करूंगी ना मैं। बहुत तो दूंगा पागल। हेलो, हाँ रोशनी, हम नीचे है, नीचे वो मतलब लिफ्ट के पास है। ओके या ओके, बाय बाय। आ रही है वो, अब आप लोग जरा हाइपर ज्यादा मत हो ना, नॉर्मल हो जाना, ठीक है ना? हम नॉर्मल है, लेकिन तू अब नॉर्मल हो रहा है, ये देख पसीना आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। किस तरह के कपड़े पहने हुए भाई? मिसेस खुराना, आप और इन कपड़ों में? हाँ जी, मैं इन कपड़ों में। अरे यार, ये मॉम डैड भी क्या बातें करने लग गए। रोशनी किसी भी वक्त आती होगी रिसीव करने के लिए। मिस्टर चोपड़ा, वो क्या है ना कि एक फ्रेंड रहते हैं ऊपर, उन्होंने कुछ फ्रेंड्स को घर पे बुलाया है और पार्टी की थीम रखी है मिडिल क्लास फ्रेंड्स। आई एम फीलिंग सो अनकंफर्टेबल, आई टेल यू। थीम नेक्स्ट टाइम हम भी किटी में यही थीम रखेंगे। रोशनी यहाँ तो काफी रोशनी है। नहीं, वो क्या है ना चोपड़ा साहब, मुझे आपसे वो बैंगलोर के होटल के बारे में कुछ बात करनी है। अरे हाँ, वो तो बाकी है ना। आप प्लीज एक मिनट आएंगे? हाँ हाँ प्लीज। छोटा सा था ना, अब देखो कितना बड़ा हो गया, शादी तक बात पहुँच गई। भाई समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, आई विश मेरे भी कुछ मोमेंट्स मॉम को याद होते। दीदी जी, आपका घर काफी सुंदर है। थैंक्स। एक्चुअली ये सब दुर्गा ने किया है। मेरा मतलब है दीदी ने बहुत मेहनत की है उसने ये सब पाने के लिए। अब माँ इतना बड़ा घर चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, फ्री में तो आजकल कोई कुछ देता नहीं है। बबलू जरा चेक करना, डिनर रेडी है ना? हाँ मैं कराता हूँ। मॉम क्यों ना मैं सिद्धार्थ को घर दिखाऊं? क्या है ना, लास्ट टाइम जन्माष्टमी की प्रिपरेशंस की वजह से मैं दिखा नहीं पाई, तो आज क्यों नहीं? ऑफ कोर्स, जरूर दिखा कर लाओ, अच्छा लगेगा इसे ये घर। इनफैक्ट सिद्धार्थ के मम्मी पापा को भी तो घर दिखा, इन्हें भी अच्छा लगेगा। पूल साइड डेक ऐसा वाला घर तो जरूर पसंद आएगा आप लोगों को। चलिए ना प्लीज, आओ सिद्धार्थ। आइए मॉम, प्लीज इधर चलो। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।